नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। और एक खास गुजारिश आपसे, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है किसी के जीवन को बदल सकता है, किसी के जीवन में शुभता ला सकता है, इसलिए शेयर जरूर करें। तो चलिए सीधे आते हैं आज के विषय पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत खास विषय पर। क्या आपके कष्टों का कारण तो नहीं वास्तु दोष? आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, चाहे ज्योतिष माने चाहे वास्तु माने, जीवन का अहम अंग है वास्तु और ज्योतिष। घर के वास्तु पर ही व्यक्ति की तरक्की और उसकी सुख सुविधाएं निर्भर करती हैं। अगर इसमें दोष है तो ये समझ लीजिएगा व्यक्ति चारों ओर से कष्टों से घिरा रहता है। आइए इस बारे में जानते हैं। अगर आप बीमार हैं तो क्या वास्तु दोष है आपके घर में? देखिए, अस्वस्थता, अगर घर का स्वामी यदि अस्वस्थ रहता है तो घर के नैऋत्य कोण, यानी कि घर का मुखिया बोल रहा हूँ, तो घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने का यह वास्तु दोष माना जा सकता है। ऐसा स्थान अगर ये नीचा है या कोई यहाँ पर गड्ढा है या यहाँ पानी जमा हो रहा है, गटर है, तो ये वास्तु दोष है, इसे ठीक करवाएं। अगर लगातार आपके घर में ग्रह क्लेश हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसका कारण है अग्नेय कोण का वास्तु दोष होना। ध्यान रखें कि इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल ना हो, वहाँ पर पानी की कोई स्टील की टंकी, जार, कंटेनर के लिए, और पानी का स्थान का जो निकास है वो बिल्कुल ना हो, इसे सही करवाएं। और यहाँ पर लाल बल्ब लगाकर, गुलाबी पेंट करवाकर इसकी व्यवस्था दूर कर सकते हैं आप। घर में अगर अक्सर चोरी हो जाती है तो क्या वास्तु दोष है? देखिए, अगर आपके घर में अक्सर चोरी होती है तो नैऋत्य कोण में राहु यंत्र, एक चांदी में बना हुआ राहु राहु यंत्र, और उसके ऊपर एक हकीक लगवाकर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे झूलता हुआ स्थापित कर सकते हैं। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो विशेष तौर से घर की पूर्व दिशा का यह वास्तु दोष है। देवताओं को वंश की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और विशेष तौर से सूर्य इसका कारक भी है। सूर्य की दिशा पूर्व होने के कारण से संतान प्राप्ति के लिए इस दिशा के वास्तु दोष को मुक्त कराना बहुत जरूरी है। टॉयलेट्स, लैटबाथ इस जगह नहीं होना चाहिए, स्टोर इस जगह नहीं होना चाहिए, और इस जगह को आप हल्का येलो और साथ में मरून कलर के पर्दे डाल के से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता है तो क्या? देखिए, मन में शांति के लिए गुरु का ठीक होना जरूरी है, यानी कि ईशान कोण का अगर वास्तु दोष है तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, और इसका ऊंचा नीचा होना भी एक तरीके का वास्तु दोष है। पूजा पाठ में अगर आपका मन नहीं लग रहा तो विशेष तौर से इस स्थिति को ठीक करें। अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपके झगड़े हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष हैं। ऐसे में इस दिशा में बहते हुए जल की व्यवस्था करें और एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। अगर आपकी बिटिया के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है बेसिकली विशेष तौर से व्याय कोण का ही एक विशेष दिक्कत है। तो नॉर्थ वेस्ट, तो पुत्री के विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो इस दोष को दूर करने के लिए कन्या का कमरा जो है वो वायव कोण में स्थापित करें, ठीक करवा के उस जगह को, जल्दी विवाह हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ खास और कुछ ज्यादा ही अच्छा हो। और जाने से पहले आपको जरूर ये कहना चाहता हूं, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में समरसता ला सकता है, किसी के जीवन में मधुरता ला सकता है, किसी की समस्याओं का समाधान बन सकता है। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें। और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ सफल। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।